हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जुड़ी बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मैं जब भी कोई नया नया वीडियो अपलोड करूँ आपको साथ साथ नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया रूमर्स निकल कर आ रहा है दोस्तों, जो है दोस्तों घाना का इंटरनेशनल स्ट्राइकर असामोआ जियान के बारे में। तो दोस्तों, असामोआ जियान एक 33 वर्षीय बहुत ही बढ़िया और अनुभवी सेंटर फॉरवर्ड है, और इन्होंने यूएई गोल्फ लीग, चाइनीज सुपर लीग के साथ साथ सीरी ए और प्रीमियर लीग में भी खेला है। इन्होंने अपना क्लब करियर में 331 मैचेस खेला है, जिसमें 136 गोल और 26 असिस्ट इनके नाम है। और अगर इनकी इंटरनेशनल करियर की बात की जाए तो इन्होंने घाना के लिए इंटरनेशनल करियर में 105 मैचेस खेलकर 51 गोल किया है, और उसके अलावा ये घाना का अंडर 20 टीम के लिए भी खेल चुका है। इन्होंने घाना के लिए 2006, 2010 और 2014 का वर्ल्ड कप खेला है, और वर्ल्ड कप में टोटल 11 मैचेस खेलकर इन्होंने 6 गोल और 3 असिस्ट भी किया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा खासियत है इस खिलाड़ी का, वो है दोस्तों, इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4 बार गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है। तो दोस्तों, असामोआ जियान एक बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर है, और वो अभी भी घाना का इंटरनेशनल टीम में शामिल है। तो फिलहाल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड में ऐसा कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं जो एक इंटरनेशनल प्लेयर हो। ऐसा कोई भी खिलाड़ी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड में नहीं है। तो ऐसे में असामोआ जियान जो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, अगर वो आ जाए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में, तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए और आईएसएल के लिए भी। और दोस्तों, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि फिलहाल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में 7 फॉरेन प्लेयर्स मौजूद है, और आईएसएल का जो रूल्स है दोस्तों, उसके लिहाज पर यहाँ पर कोई भी टीम 7 से ज्यादा फॉरेनर्स अपने टीम में नहीं रख सकता है। और इस रूल्स के लिहाज पर अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को असामोआ जियान को अपने टीम में शामिल करना है, तो उसे अपने टीम का 7 में से किसी एक फॉरेनर्स को रिलीज करना पड़ेगा, और वो खिलाड़ी हो सकता है यहाँ पर पनागियोटिस ट्रियाडिस। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर सभी फॉरेन प्लेयर्स के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, सिर्फ पनागियोटिस ट्रियाडिस को छोड़कर। और सबको ये लग रहा था दोस्तों कि पनागियोटिस ट्रियाडिस एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से आईएसएल में खेलेंगे, क्योंकि दोस्तों उनके साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का कोई पक्का डील नहीं था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में कन्फर्म था पनागियोटिस ट्रियाडिस। तो दोस्तों, ऐसे हालत में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी पनागियोटिस ट्रियाडिस को रिलीज करके असामोआ जियान को टीम में साइनिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर असामोआ जियान नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में कॉन्फर्म हो जाए तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखना, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब किया हो तो उसके लिए थैंक यू। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जुड़ी बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको साथ साथ नोटिफिकेशन मिल जाए।